इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोविड-19 कोरोना वायरस इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए महानगर पालिका के पूरे प्रयास जारी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपना शहर संभाजीनगर औरंगाबाद शहर रेड जोन में आ गया है और ये हमारे लिए एक चैलेंज है। एक जो पॉजिटिव पेशेंट जो कोरोना इस बीमारी का जो पाया गया है उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे तो वो मुंबई से अपने माँ बाप के साथ आया है। मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि पुलिस कमिश्नर साहब जो एंट्री पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे मेडिकल ग्राउंड पे स्पेस पे जो लोग आते हैं इस पर एक प्रकार से हम सभी का नियंत्रण होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। एक तो सिर्फ स्क्रीनिंग कर नहीं चलेगा, परमिशन तो वो जहाँ से आ रहे वहाँ की अथॉरिटी ने उनको दी होगी या दी देने के बाद ही हम शहर में एंट्री देते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर का हो या आउट ऑफ स्टेट का हो। लेकिन सिर्फ स्क्रीनिंग पे हमें रुकना नहीं है, हमें उसकी पूरी जांच जो हेल्थ से रिलेटेड वो भी करनी चाहिए, ऐसी मांग मैंने की है। दूसरा, ये जो कुछ भी है इनकी हेल्थ जो है स्क्रीनिंग के साथ हेल्थ ये भी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर आने के बाद में अगर उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है तो बाहर आने वाले के लिए कंपलसरी क्वारंटाइन भी इनको चाहे होम हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो ये होना चाहिए। कलेक्टर महोदय का एक रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस कमिश्नर साहब के तो पुलिस वाले है ही, महानगर पालिका के है और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि शहर में आने वाला हर व्यक्ति जिसकी पूरी जाँच होकर ही वो शहर में एंट्री करेगा और इस कोरोना वायरस से जो बीमारी जो फैल रही है इसको कहीं तो भी हम नियंत्रण में रखने के लिए कामयाब होंगे।